दोस्तों आज आया आरसीबी के लिए एबी डिविलियर्स का तूफान। मुंबई के इंडियंस को पूरी तरीके से उखाड़ के रख दिया दोस्तों आज डिविलियर्स ने, और फोड़ा भी तो किसे दोस्तों, उन्होंने फोड़ा जसप्रीत बुमराह को। डिविलियर्स ने दोस्तों जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में लगातार दो छक्के लगाए और उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के लगाए दोस्तों, जिसमें से तीन तो उन्होंने बुमराह की गेंदों पर मारे। एबी डिविलियर्स ने आज 54 रन की तेज तर्रार पारी खेली और दोस्तों मात्र उन्होंने सामना किया 24 गेंदों का और चार गगनचुंबी छक्के भी उन्होंने लगाए। डिविलियर्स की बल्लेबाजी से दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 200 बनाने में भी कामयाब हो गया और मुंबई इंडियंस को दिया है बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। देखना होगा कि क्या रोहित शर्मा के धुरंधर हार्दिक पांड्या पोलार्ड कर सकते हैं ये स्कोर को पार या नहीं। उससे पहले दोस्तों एबी डिविलियर्स का बखूबी साथ दिया आज देवदत्त पडिक्कल ने, और उससे पहले फिंच ने भी अर्धशतक मारा। बैंगलोर की ओर से आज सभी बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया लेकिन विराट कोहली फ्लॉप रहे। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा का देखना होगा कि आज वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि विराट के धुरंधर ने तो खड़ा कर दिया है 201 रन का लक्ष्य। एबी डिविलियर्स ने आज जो बुमराह की पिटाई की दोस्तों, उनको तीन तरफा छक्के दिए और बुमराह की शक्ल पे ऐसा लिख दिया कि मानो वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे गेंदबाज हो ही नहीं। डिविलियर्स ने बता दिया क्यों उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। डिविलियर्स की तूफानी पारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। सब्सक्राइब करो।